क्लास एलेवेंथ चैप्टर नंबर फिफ्टीन लिनियर इन इक्वेसन आर डी शर्मा एक्सरसाइज फिफ्टीन पॉइंट थ्री का एग्जाम्पल नंबर सिक्स है अ ऑफ़ है ट्वेल्व परसेंट सोल्यूशन ऑफ एसिड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ थर्टी परसेंट एसिड सोल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट सो दैट एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर विल वे मोर दैन फिफ्टी परसेंट बस लिख दम इसको धीरे धीरे समझते अ मैनुफैक्चर हैज़ सिक्स लीटर ऑफ अ ट्वेल्व परसेंट सोल्यूशन ऑफ एसिड एक मैनुफेक्चर के पास एक सोल्यूशन है ठीक है हम मान रहे हैं ये सोल्यूशन है सोल्यूशन क्या होता है जो दो या दो से अधिक मिक्सचर से बने ठीक है तो ये टोटल कितना सिक्स हंड्रेड लीटर है ये एक सोल्यूसन सिक्स हंड्रेड लीटर का जिसमें ट्वेल्व परसेंट क्या है ट्वेल्व परसेंट एसिड है ट्वेल्व परसेंट क्या है एसिड है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ थर्टी परसेंट देखो ट्वेल्व परसेंट एसिड है तो हम थोड़ा देर के सपोज कर ले ये मिक्सचर है एसिड और वाटर का ठीक अगर ट्वेल्व परसेंट एसिड है तो वाटर कितना परसेंट होगा ऑब्बियसली बात एटी एट परसेंट वाटर हो जाएगा देखिए एसिड जो होता मतलब सॉल्यूशन क्या होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर होता है ठीक है तो अभी तक के लिए हम ये सब कुछ कर ले रहे हैं कि इसमें एसिड और ये वाटर का मिक्सचर है मतलब वाट एसिड और वाटर का सोल्यूशन है तो क्या बोल रहा था मैनुफैक्चर हैज सिक्स हंड्रेड लीटर्स ऑफ ऑफ अ ट्व परसेंट सोल्यूशन ऑफ एसिड ये सिक्स हंड्रेड लीटर जो है वो इस सोल्यूसन है जिसमें ट्वेल्व परसेंट क्या है एसिड है तो बाकी एटी एट परसेंट क्या होगा वाटर होगा हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ थर्टी परसेंट एसिड सोल्यूशन इसके पास और एक सोल्यूसन है वो कैसा सोल्यूशन है वो थर्टी परसेंट एसिड सोल्यूशन है ये जो है हमारे पास थर्टी परसेंट एसिड सोल्यूशन है अगर थर्टी परसेंट एसिड है तो वाटर कितना परसेंट होगा सेवेंटी परसेंट होगा ठीक है तो बोला है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ दिस ये कितना लीटर आप एड करोगे कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है सो so दैट द एसिड कंटेंट इन a रिजल्टिंग मिक्सचर अब देखो आप ये वाला पूरा मिक्सचर को अगर आप इसमें डाल दोगे यहाँ उठाए और ये डाल दिए यहाँ पर ऐसा तो सपोज करो तो कुछ नया मिक्सचर बनेगा रिजल्टिंग मतलब दोनों का इन दोनों का मिक्स दोनों को मिलाओगे तो एक नया मिक्सचर बन जाएगा तो इसी को यहाँ पे क्या बोल रहा है रिजल्टिंग मिक्सचर बोल रहा है जो आप इन दोनों को मिला के जो वापस से एक मिक्सचर बनाओगे यही आपके पास क्या आ जाएगा यही आपके पास रिजल्टिंग मिक्सचर आ जाएगा मतलब यही इसी को क्या बोल रहा है रिजल्टिंग मिक्सचर को ठीक है अब हम देखो और क्या बोल रहा है कि सो दैट एसिड कंटेन इन अ रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन फिफ्टीन परसेंट बट लेस देन एटीन परसेंट मतलब जो रिजल्टिंग मिक्सचर का जो एसिड परसेंटेज है ना रिजल्टिंग मिक्सचर ऑफ एसिड वो क्या है फिफ्टीन परसेंट से बड़ा मोर देन फिफ्टीन परसेंट फिफ्टीन परसेंट से बड़ा हो गया लेकिन लेस देन एटीन परसेंट एटीन परसेंट छोटा तो मतलब जो एसिड का परसेंटेज है ना ये वाले मिक्सचर में वो फिफ्टीन परसेंट से एटीन परसेंट के बीच में और वो आप समझ भी सकते हो कैसे अब देखो ये वाला सॉल्यूशन था जिसमें ट्वेल्व परसेंट एसिड था और एटी एट परसेंट वाटर था ठीक है दूसरा सॉल्यूशन था एक जिसमें थर्टी एसिड था और सेवेंटी वाटर था तो अब देखो अब ये सोल्यूशन में आप ऐड कर रहे हो कौन सा सोल्यूसन जिसमें एसिड का परसेंटेज ज़्यादा है और वाटर का परसेंटेज कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि एसिड का परसेंटेज थोड़ा सा थो थो ज़्यादा हो जाएगा आप ऐसा समझो 88 एट परसेंट एसिड वाटर है इसमें ये वाला सॉल्यूशन में 88 परसेंट वाटर है और 12 परसेंट एसिड है और इसको आप ऐड कर रहे हो इसमें क्या ऐड कर रहे हो जी जिस वो वाला सॉल्यूशन ऐड कर रहे हो जिसमें 70 परसेंट वाटर है और 30 परसेंट एसिड है ठीक है आपने मान लिया तो सपोज कर लो कि आपके पास वाटर कितना हो गया एटी एट और सेवेंटी एटी एट और सेवेंटी कितना हो जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगा वन फिफ्टी टू परसेंट एसिड हो जाएगा सॉरी वाटर हो जाएगा हम थोड़ी देर के लिए सपोज कर और एसिड कितना परसेंट हो जाएगा फोर्टी टू परसेंट हो जाएगा फ़ोर्टी टू परसेंट क्या हो जाएगा एसिड हो जाएगा सर तो सर मैंने वन फिफ्टी एट ना होना चाहिए था हाँ वन फिफ्टी एट तो आप देख सकते हो कि पहले एट्टी एट परसेंट वाटर में ट्वेल्व परसेंट एसिड था अब वन फोर्टी एट परसेंट वाटर में फोर्टी टू परसेंट एसिड है मतलब एसिड का जो परसेंटेज है वो बढ़ चुका है पहले से आप देख सकते हो अगर आप इसको फिल लेना चाहते हो तो आप दो एसिड था दो एसिड मतलब दो सौ परसेंट आप एक काम करो दो से डिवाइड कर दो आप जरा दो सौ डिवाइड करो अगर आप दो से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा सेवेंटी नाइन परसेंट वोटर और इसको करोगे आप देखो ट्वेंटी वन परसेंट एसिड आप देखो पहले से एसिड का जो परसेंटेज है वो बढ़ चुका है तो वही मैं समझाना चाह रहा था कि एसिड का जो रिजल्टिंग मिक्सचर में जो होगा एसिड का परसेंटेज बढ़ जाएगा ठीक है तो वही पूछा है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ थर्टी परसेंट एसिड सोल्यूशन मस्ट बी एडेड कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है ना उसका जो परसेंटेज है वो कुछ ऐसा हो जाए तो हम अभी के लिए सपोज कर रहे हैं कि हमने एक्स लीटर ऐड करा है ठीक है अच्छा ये है सिक्स हंड्रेड लीटर ये है एक्स लीटर तो रिजल्टिंग मिक्सचर का टोटल टोटल कितने लीटर हो जाएंगे ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का प्लस हो जाएगा सिक्स हंड्रेड प्लस एक्स लीटर ये सोल्यूशन हो जाए अब देखो ये वाला सोल्यूशन था सिक्स लीटर ये हमने सपोज कर लिया क्योंकि यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी लीटर ऑफ थर्टी परसेंट एसिड सोल्यूशन मस्ट बी एडेड कि ऐड करोगे कि हमारा जो रिजल्टिंग मिक्सचर है ना वो इसके बीच में आ जाए ठीक है तो हमने सपोज कर लिया कि एक्स है अब आप इसको इसमें ऐड करा तो टोटल लीटर क्या हो गया सिक्स इसका सिक्स हंड्रेड और इसको आपने इसमें ऐड किया तो एक्स तो सिक्स हंड्रेड प्लस एक्स लीटर हो गया ठीक है अब आप देखो रिजल्टिंग मिक्सचर जो है वो आपका क्या है रिजल्टिंग मिक्सचर जो है रिजल्टिंग मिक्सचर ऑफ एसिड ये आपका फिफ्टीन परसेंट से ज़्यादा है और एटीन परसेंट से कम है यही है अच्छा आपको क्या पूछा है कि हाउ मेनी लीटर आप जरा गौर करो आपको लीटर में पूछा है कि आप इस ये जो सॉल्यूशन है आप ये कितना लीटर लोगे लीटर में पूछा है और आपका मिक्सचर क्या है मैं परसेंटेज में है ना। तो आपको उसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा ना जैसे आप ऐसा समझो कि एक स्टूडेंट है एक स्टूडेंट है ऐसा सपोज कर लो इसका जो मार्क्स आया है ना मैथ्स में वो एट्टी परसेंट से नाइन्टी परसेंट के बीच में आया है एट्टी परसेंट से नाइन्टी परसेंट के बीच में आया है तो आपको बताना है कि इसको एक्चुअली मार्क्स आया कितना है मतलब उसके उसका एक्चुअली मार्क्स किस कितने के बीच में है? हम ऐसा नहीं बोल सकते एट्टी नाइन्टी परसेंट के बीच में हमको उसका मार्क्स बताना exactly है कि एक्जैक्टली कितना परसेंट मतलब कितना मार्क्स आया अच्छा आप ऐसे मत समझो ऐसा मत समझो कौन है? ठीक है तो आप ऐसे समझो कैसे समझाए आप ऐसे समझ सकते हो कि एक स्टूडेंट का वो आया है उसका मा सपोज कर लो आपको नाइन्टी फाइव परसेंट आया है टोटल फाइव हंड्रेड का एग्ज़ाम था उसका नाइन्टी फाइव परसेंट आया है ठीक है तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ इस स्टूडेंट का कितने मार्क्स आए होंगे एक स्टूडेंट है ठीक है जिसका फाइव हंड्रेड का एग्ज़ाम हुआ था टोटल जो मार्क्स थे वो फाइव था और आया है उसका नाइन्टी है ठीक है तो आपसे पूछा गया मार्क्स निकालो आप आपको मार्क्स बताना है परसेंटेज नहीं बताना है तो आप क्या करोगे नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ़ फ़ाइव हंड्रेड कर दोगे तो ये हो जाएगा नाइन्टी फाइव बाई हंड्रेड इन टू फाइव हंड्रेड तो ये ज़ीरो और से ज़ीरो कैंसिल ये आप बोल दोगे कि फोर सेवेंटी फाइव मार्क्स आया आपका ऐसे ही करोगे ऐसे ही करोगे तो बिल्कुल हम भी यहाँ पर ऐसे ही करने वाले हैं कि हमको लीटर में बताना ना तो हम इसको ना बेसिकली लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो लीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे फिफ्टीन परसेंट हम एसिड की बात करें तो इस टोटल में फिफ्टीन परसेंट रहा होगा जो कि इस मतलब जैसे आप ऐसा समझ सकते हो तो ये पूरा सोल्यूशन कितना है सिक्स हंड्रेड लीटर है आप सिक्स हंड्रेड का ट्वेल्व परसेंट निकाल दो वही तो आपका एसिड रहेगा जैसे आपने क्या करा टोटल फाइव हंड्रेड मार्क्स था आपको बोला नाइन्टी फाइव परसेंट आएगा तो आपने क्या करा फाइव हंड्रेड का नाइन्टी फाइव परसेंट निकाला और यही इसका मार्क्स बता दिया तो वही तो आप करोगे मैंने पूछा कि एसिड मिक्सचर क्या होगा एसिड का जो मिक्सचर वो इसके बीच में है तो आप क्या करोगे एसिड को एग्जैक्टली exactly लीटर में बताओगे ठीक है देखिए ये चीज़ें तो आप इसको क्या करो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो तो लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे जैसे यहाँ पे हमने मार्क्स को कन्वर्ट करने के लिए हम इस परसेंटेज नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ फाइव हंड्रेड टोटल मार्क्स का नाइन्टी फाइव परसेंट निकाला उसी तरह से हम बोल रहे हैं यहाँ पे इसको लीटर में आप कन्वर्ट करो तो आप 15 परसेंट इसका कर दोगे 15 परसेंट ऑफ 600 प्लस एक्स क्यों कर रहे समझ गए क्लियर है ना क्यों इसलिए रहे क्योंकि हमको लीटर में बताना है और ये तो परसेंटेज में था ना जैसे यहाँ पे हमको मार्क्स में बताना था उसी तरह से हमको लीटर में बताना है इसलिए ये हो जाएगा एटीन ऑफ सिक्स हंड्रेड प्लस एक्स ठीक है और रिजल्टिंग मिक्सचर ऑफ एसिड तो बीच में क्या आएगा बीच में इन दोनों का सम आएगा क्योंकि आप देखो ना ये वाला जो मिक्सचर है इन दोनों का ही सम हो गया तो बनाए लेकिन हम याद रहे हमको एसिड की बात करनी तो आप क्या लिखोगे ट्वेल्व परसेंट ऑफ एसिड इसमें तो ट्वेल्व परसेंट ऑफ सिक्स हंड्रेड लीटर में प्लस एसिड कितना है थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट ऑफ और टोटल सॉल्यूशन कितना है एक्स तो ठीक है तो बेसिकली हमसे पूछा था कि आप बताओ मतलब एसिड का परसेंटेज जरा और हमसे ये एक्स पूछा था तो हमने कुछ भी नहीं करा एसिड का था तो इसलिए हमने सबका एसिड का ले लिया अब हम यहाँ से एक्स ईजिली निकाल सकते हैं पता नहीं आपको ये वाला कितना समझ में आया अगर आप इस फिर भी सोचो तो आप ऐसा समझो ना कि जैसे हमको टोटल एसिड के बारे में पता है कि जो हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर है ना एसिड वो फिफ्टीन से एटीन परसेंट के बीच में है ठीक है अब आप बताओ इस सॉल्यूशन में ये फर्स्ट सॉल्यूशन है ये सेकेंड सॉल्यूशन है और ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन है ठीक है फर्स्ट सॉल्यूशन में एसिड कितना है अगर मैं पूछूँ फर्स्ट सॉल्यूशन में एसिड कितना है तो आप क्या करोगे ट्वेल्व परसेंट ऑफ सिक्स हंड्रेड निकालोगे सिक्स हंड्रेड क्या ये टोटल सॉल्यूशन है टोटल सॉल्यूशन में जो ट्वेल्व परसेंट है ना वो आपके पास एसिड है और हमको एसिड का क्वांटिटी पूछा है लीटर में तो आप क्या करोगे सीधा सीधा ट्वेल्व परसेंट निकाल दोगे सिक्स हंड्रेड का तो क्या आ जाएगा 12 अपॉन में हंड्रेड इंटू सिक्स हंड्रेड तो ये कैंसल ट्वेल्व तो आप बोलोगे सेवेंटी टू लीटर आपके पास एसिड है जी इस सॉल्यूशन में सेवेंटी टू परसेंट एसिड है अच्छा सेवेंटी टू परसेंट हिस्ट्री है अगर मैं बोलूँ इस सॉल्यूशन में कितना परसेंटेज मतलब कितना एसिड है जी आप लीटर में बताना तो आप क्या करोगे थर्टी परसेंट ऑफ एक्स निकालोगे तो आप बोल दोगे थर्टी बाई हंड्रेड इन टू मैक्स मतलब थर्टी एक्स बाई हंड्रेड इसमें एसिड है अच्छा इसमें एसिड इतना है जी ठीक है और बोल रहा था कि जो मिक्स रिजल्टिंग मिक्सचर है ना उसका एसिड का क्वान्टिटी फिफ्टीन परसेंट और एटीन परसेंट के बीच में होगा तो आप इसको भी ज़रा लीटर में कन्वर्ट करो तो ये टोटल रिजल्टिंग मिक्सचर है कितना 600 हंड्रेड प्लस एक्स लीटर है आप 600 हंड्रेड प्लस एक्स लीटर का 15 परसेंट निकाल दो तो हो जाएगा 15 बाई हंड्रेड और यहाँ पे एसिड और ये हो जाएगा 18 बाई हंड्रेड इंटू से प्लस एक्स और ये मिक्सचर बना कैसा है इन दोनों के इन दोनों को डाल कर ही बना है तो ये, बीच में क्या आ जाएगा इन दोनों का आ जाएगा सम ठीक है तो वही हमने करा है क्योंकि अगर हम ये x नहीं निकाल पाते अगर हम इस परसेंटेज को क्या करते लीटर में नहीं कन्वर्ट करते और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हाउ मेनी लीटर्स पूछा था इसलिए हमको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ा मिक्सचर का एसिड दे रखा था देखिए आपको जो गिव है ना वो सिर्फ ये चीज़ है उसके बाद तो ये सब तो कहानी ना है जो गिव आपका वो ये वाला चीज़ है आपको इसको यूज करके आपको बताना था इसका यूज करके आपको बताना था कि जो कितना लीटर सॉल्यूशन है थर्टी परसेंट एसिड वाला तो हम इसको कैसे यूज़ करते इस परसेंटेज में था तो ऑब्वियस ये बात था कि हम को लीटर में चाहिए तो परसेंटेज को लीटर में कन्वर्ट करना, करना पड़ा एसिड का बारे में बताया था तो इसलिए हमने सबका एसिड ले लिया ठीक है और बीच में इन दोनों का ऐड करके क्यों डाला इसलिए डाला क्योंकि ये वाला जो मिक्सचर बना है वो इन दोनों के इन दोनों को मिक्स करके ही तो बनाया मतलब ये पूरा उठाया इसको डाल दिया तो इसलिए इन दोनों का सम है ऐसा समझ कि रिजल्टिंग ठीक है तो बस आप इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है सॉल्व पीछे करते हैं लिखना चाहो तो लिख सकते हो लेट एक्स एक्स लीटर ऑफ़ थर्टी परसेंट एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड लेट एक्स लीटर्स ऑफ थर्टी परसेंट एसिड सॉल्यूशन एक्स लीटर्स ऑफ थर्टी परसेंट एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू सिक्स हंड्रेड लीटर्स ऑफ ट्वेल्व परसेंट सोल्यूशन ठीक है कि सो so दैट कि उसका जो रिजल्टिंग पिक्चर वो ऐसा हो जाए तो टोटल मिक्सचर क्या होगा टोटल मिक्सचर आप देख सकते हो टोटल मिक्सचर हमारे पास क्या है आप देखो इन दोनों का सम है टोटल मिक्सचर है सिक्स हंड्रेड प्लस एक्स लीटर तो यहाँ पे आप लिख दो सिक्स हंड्रेड प्लस एक्स लीटर अकॉर्डिंग टू तो द क्वेश्चन क्वेश्चन ने क्या बताया था कि जो हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर है ना, रिजल्टिंग मिक्सचर ऑफ एसिड वो फिफ्टीन परसेंट और थर्टी पर एटीन परसेंट के बीच में है। आप देखो ये वाला पूरा यहाँ पे हम लिख रहे हैं ठीक है यहाँ पे लिख दे फिफ्टीन परसेंट ऑफ सिक्स हंड्रेड प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू ट्वेल्व परसेंट ऑफ सिक्स हंड्रेड प्लस थर्टी परसेंट ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एटीन परसेंट ऑफ सिक्स हंड्रेड प्लस एक्स ठीक है हो जाएगा फिफ्टीन बाई हंड्रेड इंटू सिक्स हंड्रेड प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू ट्वेल्व बाई हंड्रेड इंटू सिक्स हंड्रेड प्लस थर्टी बाई हंड्रेड इंटू एक्स देखिए इसको हम कैसे परसेंट को हटाने के लिए हम नीचे हंड्रेड ले आते हैं ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और ये वाला ठीक है आप चाहो तो हंड्रेड 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 कैंसिल कर सकते हो ठीक है तो फिफ्टीन इंटू सिक्स हंड्रेड प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू ट्वेल्व इंटू सिक्स हंड्रेड सेवेंटी टू हंड्रेड प्लस थर्टी एक्स लेस देन इक्वल टू एटीन इंटू सिक्स हंड्रेड प्लस एक्स ठीक है आप चाहो तो यहाँ से थर्टी कॉमन ले सकते हो क्या कॉमन ले सकते हो थर्टी थर्टी कॉमन ले लो तो यहाँ पे बच जाएगा टू फोर्टी प्लस एक्स यही बचेगा हाँ यही बचेगा और यहाँ हो जाएगा एटीन सिक्स हंड्रेड प्लस एक्स देखिए आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते यहाँ पे आप आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई में हंड्रेड ठीक है तो इन पे हम ध्यान रखना हम जैसे कर रहे हैं वैसे मतलब ऐसे मत कर दीजिएगा तो कैंसिल कर दो लेकिन आप लिखना वहाँ पे पेपर में कि डिवाइडिंग बाई फाइव ये हो जाएगा थ्री ये हो जाएगा सिक्स और ये तो फाइव से जाएगा नहीं तो आप क्या कम करो थ्री से डिवाइड कर दो तो फाइव हो जाएगा टेन हो जाएगा और ये सिक्स हो जाएगा तो हो जाएगा फाइव इंटू सिक्स हंड्रेड प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू टेन टू फोर्टी प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू सिक्स सिक्स हंड्रेड प्लस एक्स ठीक है अब आपको मैंने क्या बताया कि अगर x लाइज बिटवीन a टू b हो तो आप इस दोनों को अलग अलग कर सकते हो कब आप ऐसा लिख सकते हो लेस देन x x लेस देन b तब जब हम बीच में एंड लगा दें अगर हम ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a लेस देन x एंड x लेस देन b लेकिन बीच में हम क्या लगाएंगे एंड लगाएंगे तो आप यहाँ पे भी ऐसे ही करो फाइव इंटू सिक्स हंड्रेड प्लस एक्स इन दोनों को लिए और फिर इन दोनों को लिए देखो दोनों को अलग अलग ले लिए तो बीच में हम क्या लगाना होगा एंड लगाना होगा तो बीच में आँड आँड आप एंड लगा दो आप कैंसिल करो पहले ये हो जाएगा टू सिक्स हंड्रेड प्लस एक्स लेस देन इंटू आप मल्टीप्लाई करो टू इंटू टू फोर्टी फोर एट्टी प्लस टू एक्स ठीक है एंड कैंसिल करो थ्री फाइव तो आप फाइव से मल्टीप्लाई करो टू फोर्टी को ये हो जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड प्लस फाइव एक्स लेस देन इक्वल अब मल्टीप्लाई करो थ्री इंटू सिक्स हंड्रेड एटीन हंड्रेड प्लस थ्री एक्स ठीक है यहाँ तक आप देख लो अब आप क्या करो इस x को इधर लेके आओ इसको इधर ये हो जाएगा सिक्स हंड्रेड माइनस फोर एट्टी लेस देन इक्वल टू इसको इधर टू एक्स माइनस एक्स एंड इसको इधर फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स और इसको इधर लेस देन इक्वल टू एटीन हंड्रेड माइनस ट्वेल्व हंड्रेड ये हो जाएगा वन ट्वेंटी लेस देन इक्वल टू एक्स एंड टू एक्स लेस देन इक्वल टू सिक्स हंड्रेड करो थ्री हंड्रेड आ गया तो ये हो जाएगा एक्स इसको एक्स को पहले लिखा और वन ट्वेंटी को बाद में लिखा तो साइन चेंज हो जाएगा एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री हंड्रेड अब आपको दोनों का कॉमन लेना है क्या करना है दोनों का कॉमन लेना तो आप लो नंबर लाइन अप बनाओ देखो नंबर लाइन आप बनाओ माइनस इन फ्रेंटी से वन ट्वेंटी और थ्री हंड्रेड में पहले कौन आएगा पहले वन ट्वेंटी आएगा और बाद में थ्री हंड्रेड दोनों पे इक्वल टू है तो दोनों पे आप इक्वल टू लगा दो ये बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू वन ट्वेंटी मतलब वन ट्वेंटी से आगे ये बोला लेते हैं थ्री हंड्रेड आपको थ्री हंड्रेड छोटा मिलेगा कहाँ मिलेगा थ्री हंड्रेड के पीछे मिलेगा आप देखो दोनों में कॉमन क्या है ये तो ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू वन ट्वेंटी से थ्री हंड्रेड ठीक है तो आप दोनों इंक्लूड रह दोनों पर इंक्लूड रहेगा इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो एक्स लाइज बिटवीन वन ट्वेंटी टू थ्री हंड्रेड इंक्लूडिंग वन ट्वेंटी इंक्लूडिंग थ्री हंड्रेड आप इसको नाम लिख दो एन hence hence 30% hence hence 120 and 300 liter hence hence the resulting mixture and the resulting mixture will be more than 15% but less than 18% if

हम देख लो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेवन अ मैन वांट्स टू कट थ्री लेंथ ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ अ बोर्ड आप सपोज कर लो कि ये आपके पास बोर्ड है ठीक है एक, एक आदमी है जो इसको तीन पीसेज में काटना चाहता है ठीक है ऐसा भी होगा कि कुछ बोर्ड बच जाएगा ऐसा नहीं बोला है कि पूरा बोर्ड को यूज करना ही है बिल्कुल नहीं बोला सिंगल पीस ऑफ अ बोर्ड ऑफ लेंथ नाइन्टी वन एक पीस है बोर्ड का और इसका पूरा लेंथ है नाइन्टी वन सेंटीमीटर ठीक है द सेकेंड इज टू बी थ्री सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शोटेस्ट एंड द थर्ड लेंथ और क्या बोल रहा है थ्री सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट तो आप देखो दोनों के लिए केस में शोटेस्ट लेंथ की बात रही है तो आप पहले लेट कर लो लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ शोटेस्ट शॉर्टेस्ट पीस ठीक है अगर शॉर्टेस्ट पीस की लेंथ इतना है तो सेकेंड पीस की लेंथ कितना हो जाएगी लेंथ ऑफ सेकेंड Piece. तो हम मान रहे हैं ये आपका शोटेस्ट वाला पीस है ये वाला फर्स्ट पीस है ये वाला थर्ड पीस है और हम अभी सपोज करके चल रहे हैं कि ये जो हमारा पूरा बोर्ड है वो यूज नहीं हुआ एक ये वाला पोर्शन लेफ्ट रह गया आप इसको लेफ्ट लिख दो ठीक है ये छूट गया बच गया ठीक है तो हम बोल रहे हैं की लेंथ एक्स है शोटेस्ट की लेंथ एक्स है ऐसे तीनों बराबर दिख रहा है मैं नया बना देता हूँ ये शोटेस्ट है ये उससे बड़ा है और ये उससे बड़ा है और छोटा सा रह गया है दिस लेफ्ट। अब इस पूरे बोर्ड की लेंथ आप देखो सिंगल पीस ऑफ अ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 वन सेंटीमीटर इस पूरे बोर्ड की लेंथ 91 वन सेंटीमीटर है ये शॉर्टेस्ट पीस है ये वाला आप बोल सकते हो कि सेकेंड पीस है और ये वाला थर्ड पीस है ठीक है नेक्स्ट क्या बोला लेंथ ऑफ सेकेंड पीस द सेकेंड इज टू बी थ्री सेंटीमीटर लोंगर देन द शॉर्टेस्ट मतलब ये थ्री सेंटीमीटर बड़ा है किस से से आप ऐसा समझो कि ये वन है अगर इसकी लेंथ फाइव सेंटीमीटर है तो इसका तीन सेंटीमीटर ज़्यादा होगा तीन सेंटीमीटर बड़ा लॉन्गर मतलब बड़ा तीन सेंटीमीटर बड़ा देन द शॉर्टेस्ट साइड ये शॉर्टेस्ट साइड था इससे फर्स्ट सेकेंड वाला जो पीस है वो तीन सेंटीमीटर बड़ा है तो आप तीन ऐड कर दोगे तो ये एट सेंटीमीटर हो जाएगा क्या हो जाएगा एट सेंटीमीटर तो अभी हम अगर एक्स बोल रहे हैं तो ये वाला कितना सेंटीमीटर हो जाएगा एक्स प्लस थ्री सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि तो तीन सेंटीमीटर बड़ा है इस छोटे वाले से अगर ये पाँच है तो ये आठ है क्यों जी क्योंकि आप पाँच में तीन ऐड करो अगर छोटे साइड पाँच सेंटीमीटर तो आप जो सेकेंड पीस काटोगे आप क्या बनाओगे सेंटीमीटर से ज्यादा काटना पड़ेगा मतलब शॉर्टेस्ट वाले साइड से तीन सेंटीमीटर ज्यादा काटना है तो आप पाँच काटे थे तो पाँच में तीन ऐड करो एट सेंटीमीटर काट दें ठीक है वही बोल रहे अब इसी तरह से लेंथ ऑफ थर्ड पेज लेंथ ऑफ थर्ड पेज ये क्या हो जाएगा अब देखो नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है एंड थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट मतलब दुगना है दुगना है किसका जी शॉर्टेस्ट का थर्ड वाला जो है वो शॉर्टेस्ट का दुगना है अगर आप समझो थर्ड अगर फाइव है अगर शॉर्टेस्ट वाला फाइव है तो आप टू से मल्टीप्लाई करो थर्ड वाला टेन हो जाएगा अगर शॉर्टेस्ट वाला एक्स है तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा अगर शॉर्टेस्ट एक्स है तो ये हो जाएगा टू एक्स टू एक्स हो गया ठीक है तो लेंथ ऑफ थर्ड पीस इज टू एक्स ठीक है यहाँ तक तो ठीक है? अब आगे क्या बोल रहा है आगे बोल रहे व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शोटेज बोर्ड तो हमको शोटेस्ट बोर्ड का लेंथ बताना है इसका शोटेस्ट वाला बोर्ड का इसका लेंथ बताना है बताना है अगर इफ 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 मतलब अगर थर्ड पीस टू बी एट लीस्ट थर्ड पीस थर्ड पीस क्या है टू एक्स है थर्ड पीस थर्ड पीस इज एट लीस्ट एट लीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू एट लीस्ट का मतलब बड़ा या बराबर कम से कम जैसे अगर मैं बोलूं यू यू हैव एट लीस्ट टेन रुपीज टू बाई अ पेन मतलब कि अगर आपको एक पेन खरीदना मान लीजिए ये वाला पेन आपको ख़रीदना है तो आपके पास कम से कम दस रुपये होने चाहिए तब आप इस पेन को ख़रीद पाओगे जी अगर मैं बोलूँ इस पेन को आपको ख़रीदना है तो आपके पास कम से कम दस रुपये होने चाहिए ऐसा भी होगा कि दस भी होगा तो चलेगा एट लीस्ट मतलब अगर नौ होगा तो नहीं चलेगा आठ होगा तो नहीं चलेगा दस है चलेगा पंद्रह है तब भी चलेगा सौ है तब भी चलेगा लेकिन दस तो होना ही चाहिए दस से कम है तो नहीं चलेगा दस से ऊपर है तो सब चलेगा ठीक है तो एटलीस्ट एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू ठीक है अब हमेशा याद रखो एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू कम से कम मतलब कम से कम पाँच फाइव सेंटीमीटर तो बड़ा होना ही चाहिए उससे कम तो बात ही नहीं बनेगा फाइव सेंटीमीटर फाइव सेंटीमीटर लॉन्गर देन लॉन्गर मतलब बड़ा तो प्लस सेकेंड सक, पीस तो सेकेंड पीस अब देखो थर्ड पीस क्या है टू एक्स है सेकेंड पीस क्या एक्स प्लस थ्री है X 3. तो ये हो गया एक्स प्लस थ्री तब इसको सॉल्व कर लो और आप ऐसा भी यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हो कि एक्स प्लस एक्स प्लस थ्री प्लस टू एक्स ये लेस देन इक्वल टू नाइन्टी वन होगा अब आप मैंने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नाइन्टी वन क्यों बोल दिया क्योंकि टोटल लेंथ क्या है नाइन्टी वन है अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आप जो टोटल पीस काटो वो नाइन्टी वन सेंटीमीटर से बड़ा काट लो जैसे आप ऐसा समझो कि ये आपका बोर्ड था चलिए भाई आपने एक पीस काटा दो पीस काटा और ये तीसरा पीस एक दो तीन ऐसा कर सकते हो टोटल था अब 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 यहाँ पे बोर्डे नहीं है तो आप ऐसा यहाँ से तो काट नहीं सकते आप जो लेंथ है बोर्ड का उससे ज़्यादा तो आप डिवाइड ही नहीं कर सकते ना कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो अगर मैं बोलूँ मैं अगर मैं बोलूँ ये लो जी आप एक टॉफी मतलब मैं आपको एक टॉफ़ी दूँ और बोलूँ कि दो टॉफ़ी खा लो खा सकते हो क्या नहीं जी नहीं खा सकते हो एक ही टॉफ़ी है आपके पास अब आप ये मत समझना कि एक टॉफ़ी मैं खुद से खरीद के खा लूँगा ऐसा नहीं है मैंने जो दिया वही उसी में से आपको दो खाना है तो हम नहीं खा सकते ठीक है ना उसी तरह से आप समझो कि ये जो बोर्ड है आपके पास उसका लेंथ है नाइन्टी वन सेंटीमीटर आप कितना भी काट लोगे देखिए मान लीजिए आपको कुछ काम है जैसे आप कुछ बना रहे हो जैसे मान लेते हैं कि कुछ भी बना रहे हो जैसे छोड़ो क्या बना रहे हो वो नहीं पता कुछ भी बना रहे हो जैसे आपने पूरा यहाँ तक यूज़ कर लिया इसको या तो बोर्ड को यहाँ तक यूज करा या बोर्ड को आपने यहीं तक यूज करा या फिर आपने बोर्ड को यहीं तक यूज करा लेकिन आप ऐसा नहीं ना कर सकते कि इससे ज़्यादा यूज़ कर लो वो तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास है ही नहीं आपके पास नाइन्टी सेंटीमीटर का ही बोर्ड है आप नाइनटी टू सेंटीमीटर यूज़ कर सकते हो क्या नहीं जी नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास बोर्ड है नाइन्टी वन सेंटीमीटर हम नाइन्टी टू कैसे कर लेंगे ठीक है ना तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि इन तीनों का जो सम का लेंथ होगा वो नाइन्टी वन से बराबर होगा या फिर छोटा होगा ठीक है बराबर होगा या तो छोटा होगा जैसे अगर मैं आपको एक चॉकलेट दूँ और तो आप क्या करोगे या तो आप आधा खाओगे थोड़ा सा खाओगे या तो खेई तो भी नहीं करोगे आप ऐसा तो नहीं करोगे कि मैंने एक चॉकलेट दिया तो आप दो चॉकलेट खा लो वो तो पॉसिबल ही नहीं है अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपने से खरीद के खा लो ऐसा मैंने नहीं बोला मैंने जो दिया है उसी में आपको बोल रहा हूँ खाने के लिए अब आप ऐसा मत बोलना कि अब कैसे किसी के दोस्त पास है और छीन के आप खा गए और बोलोगे कि दो को खा लिए नहीं जी वैसा नहीं करना है हमको तो दिया ही एक गया तो हमको एक में से ही दो खाना तो वो तो पॉसिबल नहीं है उसी तरह से यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है अगर मैं बोल दूँ कि नाइन्टी टू सेंटीमीटर आप यूज़ कर लो कैसे कर जी हम नाइन्टी टू सेंटीमीटर हमारे पास है ही नाइन्टी वन सेंटीमीटर ठीक है तो आप सोल्व कर लो दोनों को और दोनों को का इंटरसेक्शन ले लो वही आपका हो 2X, X, X. क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा सॉल्व टू एक्स 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 क्या हो जाएगा फोर एक्स हो जाएगा फोर एक्स और इस थ्री को इधर शिफ्ट कर दो नाइन्टी वन माइनस थ्री नाइन्टी वन माइनस थ्री क्या हो जाएगा एटी एट हो जाएगा तो हो जाएगा फोर एक्स लेस देन इक्वल टू एटी एट आप इसको फोर से डिवाइड करो ट्वेंटी टू हो जाएगा तो एक्स लेस देन इक्वल टू ट्वेंटी टू आप इसको सॉल्व करो टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव प्लस एक्स प्लस थ्री इस एक्स को इधर लेके आओ टू एक्स माइनस एक्स फाइव प्लस थ्री एट तो हो X, 3, जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एट अब दोनों का इंटरसेक्शन लो नंबर लाइन बनाओ आप कहाँ से कहाँ तक माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक अब देखो एट और ट्वेंटी टू में पहले कौन आएगा पहले ऑबियस से बात एट आएगा और बाद में ट्वेंटी टू दोनों इंक्लूड है तो दोनों पे डार्क सर्कल बनाओ ये बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू एट मतलब एट से बड़ी वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी एट के आगे मिलेगी और ये बोल रहा है लेस देन इक्वल टू ट्वेंटी टू मतलब ट्वेंटी टू से छोटी वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी ट्वेंटी टू के पीछे मिलेगी तो देखो दोनों में आपका कॉमन क्या हो गया ये पोर्सन हो गया तो एक्स बिलोंग्स टू एट से ट्वेंटी टू और आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो उसको एक्स लाइज बिटवीन एट से ट्वेंटी टू तो हैं

आप देख ले